बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना सामने आ रही है। संजय सर्किल थाने के सब इंस्पेक्टर को बताया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और मेडिकल की टीमें पहुंची मौके पर, थाने के सभी स्टाफ को एकत्रित करके उनके सैंपल लिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आने वाले सभी पुलिसकर्मियों का पता लगाया जा रहा है, ट्रेसिंग की जा रही है। एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पता लगाया जा रहा है पुलिसकर्मी के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन पुलिसकर्मी संपर्क में आए थे। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। थाने के स्टाफ का सैंपल लिया गया है, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सब इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। पुलिस और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। संजय सर्किल थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। संजय सर्किल थाने के सब इंस्पेक्टर को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी भी अब कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। देखिए बिल्कुल, संक्रमण जो है वो अब जिस तरीके से चार दीवारी से बाहर निकल करके आया है और 28 थाना इलाके ऐसे हैं जिसमें परकोटा भी शामिल है, तो परकोटे के अंदर 10 थाना पड़ते हैं, मगर 18 जो थाने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। और इसी कोरोना ने जो उसका जो वायरस है उसने पूरे आउटर इलाकों में दस्तक दे दी, और उसी का कहीं नतीजा है कि जो आउटर इलाके के अंदर जो पुलिसकर्मी लगातार वॉरियर्स के रूप में जो काम कर रहे हैं, नाकाबंदियों में लगे हुए हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं लगातार 24 घंटे, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण के चपेट में आने की जो आशंका बनी रहती है उस पर कहीं ना कहीं ये चीजें लागू हुई। और यही नतीजा रहा कि पहले कुछ पुलिसकर्मी इसमें कोरोना के संक्रमण आए, और उसके बाद आज संजय सर्किल जो थाना पड़ता है, यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर है जिसका हम नाम तो उजागर नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में पैनिक करने वाली ये बात होती है, और कहीं ना कहीं जनता को पैनिक करना होता है, तमाम पुलिसकर्मियों में अगर यदि मैसेज जाता है तो उनका मनोबल टूटता है, तो ऐसे में नाम हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर एक सब इंस्पेक्टर है जो संजय सर्किल थाने में तैनात है। आज उनकी जो कोरोना पॉजिटिव की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की से जुड़ी जो टीमें थी वो आज सुबह भी आई थी, और उसके बाद जब पुष्टि हुई पूरी तरीके से उसके बाद तमाम जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद जो कोरोना पॉजिटिव जो सब इंस्पेक्टर है उसको यहाँ पर आइसोलेट किया गया है। खास बात यह है कि तमाम उच्च अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं, और जो सबसे पहले उससे पूछताछ हुई है तो सबसे पहले पता लगाया गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव जो सब इंस्पेक्टर है ये किन किन पुलिस कर्मियों के संपर्क में आया है और कहां कहां तक इसकी रीच हुई है। जी बिल्कुल यादवेंद्र, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब इंस्पेक्टर इस कोरोना काल में बड़े जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं संपर्क में आए होंगे, या फिर जब घर गए होंगे तो घर वाले भी संक्रमित होने का खतरा जरूर है। देखिए आशीष, अच्छी बात इसमें सबसे ज्यादा ये रहेगी, और उसमें उच्च अधिकारियों सबसे अच्छा एक बात कही जाएगी कि अधिकारियों ने पहले ही जो तमाम थानों के अंदर जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनके लिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था ये की थी कि जितने जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं अमूमन थाने के अंदर 80 से 90 100 के आसपास जो पुलिसकर्मी रहते हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर भी एसआई तमाम पुलिसकर्मी रहते हैं, उनके लिए रहने की जो व्यवस्था थी वो आसपास के किसी होटल में या आसपास के किसी क्वार्टर में वहीं पर ये व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि ये जो संक्रमण है अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें यहाँ पर रहता है और अगर वो घर पे जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो चीज ना हो इसके लिए एहतियात के तौर पर आसपास की जो इलाका पड़ता है थाने का या वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था या उनके लिए रुकने की व्यवस्था कर दी गई थी या उनको ठहरने की व्यवस्था कर दी गई, तो ये अच्छा काम किया था। मगर अब ये जांच का विषय है कि ये जो सब इंस्पेक्टर है इसकी ड्यूटी थाने में लगी थी, थाने के अलावा किन किन पुलिसकर्मियों के यहाँ पर चपेट संक्रमण संपर्क में आए। जी बिल्कुल, अहम बात यहाँ पर ये भी रहेगी। जी बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यादवेंद्र शर्मा ने जानकारी दी किस प्रकार से एहतियात बरता जा रहा है, मेडिकल टीम पहुंच गई है और हिस्ट्री खंगाली जा रही है किन किन लोगों के संपर्क में सब इंस्पेक्टर आया था।